नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने एमएवर 9061 के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। 41 से लेकर के 47 तक तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। देर ना करते हुए आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए। ड्यूटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इज व्हिच नंबर ऑफ रेगुलेशन। खान में काम करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य रेगुलेशन कितने नंबर पे आता है। आंसर क्या है, ऑप्शन बी रेगुलेशन 41 के अंतर्गत में आता है। ओके, प्रत्येक व्यक्ति माइंस में जब काम करने के लिए जब जाते हैं तब जाते हैं और जब काम से रिटर्न आते हैं तब कितने नंबर एक्ट के अनुसार अपना नाम खाता में दर्ज करेंगे। जब कोई व्यक्ति माइंस के अंदर में काम करने के लिए जाता है, काम खत्म करके वापस आता है, तो वो अपना रजिस्टर में साइन करता है। वो जो रजिस्टर में साइन करता है वो किसके अंतर्गत में वो आता है, आपको जानना जरूरी है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए एक्ट 48(4) के अंतर्गत में वो आता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए। किसके आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति खदान में कोई फेंसिंग बैरियर और गेट पार नहीं करेगा। इनमें से जितने दिया गया है, कॉम्पिटेंट पर्सन हो गए, मैनेजर हो गए, फॉरमैन हो गए, इनका आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति माइंस में कोई भी फाटक हो गया, फेंसिंग हो गया, बैरियर बैरिकेड पार नहीं करेगा। ओके, तो ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन व्हिच नंबर ऑफ रिलेशन। कॉम्पिटेंट पर्सन का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो रेगुलेशन कितने नंबर पे आता है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन 42। ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन का रेगुलेशन कितने नंबर पे आता है, रेगुलेशन 42 के अंतर्गत में वो आता है। ठीक है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन का कौन अपॉइंटमेंट करता है। सॉरी, इसमें थोड़ा अपॉइंटमेंट का मिस्टेक हो गया है, इसमें आपको इग्नोर कीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को कौन अपॉइंटमेंट करता है। आंसर क्या, ऑप्शन मैनेजर उसको अपॉइंटमेंट करता है। ओके, एक कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होना चाहिए। जब एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटमेंट होता है उसका एज कितना होना चाहिए, 20 ईयर्स होना चाहिए। ओके, एक फर्स्ट क्लास मैनेजर बिलो ग्राउंड माइंस में वीकली कितने दिन इंस्पेक्शन करेंगे। बिलो ग्राउंड माइंस में एक फर्स्ट क्लास मैनेजर कितना दिन इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा, काम पे जो देखभाल करने के लिए जाएंगे। आंसर क्या है, ऑप्शन ए 4 डेज हो जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। अगर कोई भी माइंस में रेगुलर नाइट शिफ्ट चल रहा है तब फर्स्ट क्लास मैनेजर कितने दिन में एक बार नाइट शिफ्ट करेंगे, या बिलो ग्राउंड माइंस में बेसिकली होता है, क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन उसमें लिख देगा बिलो ग्राउंड, ये बिलो ग्राउंड को मैंने मेंशन नहीं किया है, इसमें बिलो ग्राउंड आ गया। ठीक है, जब एग्जाम आएगा तो आपको उस टाइम दिक्कत नहीं होगा। आंसर क्या, आंसर 15 डेज। माइंस में नाइट शिफ्ट अगर चलता है बिलो ग्राउंड माइंस में, तो वो एक मैनेजर 15 डेज में एक बार जाके वहाँ पर नाइट शिफ्ट करेंगे। माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है, या एक्सीडेंट में किसी का जीवन हानि होता है, या सीरियस दुर्घटना होता है, तब उसका सब रिपोर्ट कितने दिन के भीतर मैनेजर भेजेंगे। आंसर क्या है, 15 डेज के अंदर में वो भेजेंगे। ठीक है, एक माइनिंग फार्मिंग का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेशन कितने नंबर पे आता है। आंसर के ऑप्शन 46 के अंतर्गत में आता है। एक माइनिंग फॉरमैन रेगुलेशन नंबर कितने में अपॉइंटमेंट होता है। देखिए क्वेश्चन इतना कंफ्यूज कर रहे हो, उसमें पूछ रहे कि उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने नंबर पे आता है, इसमें पूछ रहे अपॉइंटमेंट कितने नंबर पे आता है। आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन ए 35 के अंतर्गत में आता है। एक फॉरमैन के अंडर में कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं। आंसर क्या है, 150, 150 व्यक्ति एक फॉरमैन के अंडर में काम कर सकते हैं। ओके, एक फॉरमैन के अंडर में कितने इक्विपमेंट रह सकता है। आंसर क्या है, ऑप्शन 2। एक फॉरमैन के अंडर में 2 इक्विपमेंट रहता है, जैसे कि 2 सबवेयर हो गया उनका अंडर में रहेगा। ओके, एक फॉरमैन का सर्टिफिकेट को कितने साल में एक बार रेन्यू होता है। ओके, एक माइनिंग फॉरमैन सर्टिफिकेट रेन्यू कितने दिन होता है, 5 ईयर्स में एक बार होता है। एक फॉरमैन ड्यूटी के समय अपने पास क्या रखता है। जब कोई माइनिंग फॉरमैन अपना ड्यूटी करता है उसके पास में वो क्या रखेगा। आंसर क्या है, ट्रेसिंग, उसका जो प्लान रहेगा, ठीक है, नक्शा जो रहता है खान का वो नक्शा रखेगा, फर्स्ट एड किट रखेगा,
वॉकी टकी रखेगा, वो कम्युनिकेट करने के लिए ये सारी की चीज वो रखेगा, ठीक है। माइनिंग में ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर कितने में आता है? एक माइनिंग यूनिट का ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितने में आता है? 47 के अंतर्गत में आता है। एक माइनिंग में रेगुलेशन कितने नंबर में अपॉइंटमेंट होता है? एक माइनिंग में रेगुलेशन कितने नंबर पे अपॉइंटमेंट होते हैं? आंसर के ऑप्शन 37 के अंतर्गत में अपॉइंटमेंट होते हैं। एक माइनिंग के अंडर में कितने व्यक्ति काम करेंगे? आंसर क्या है? 75 व्यक्ति एक माइनिंग के अंदर में काम करेंगे। माइनमेट के अंडर में जितने व्यक्ति काम करेंगे वो सब कौन नियम का पालन करेंगे? एक माइनमेट के अंडर में जितने व्यक्ति काम करेंगे सब एक्ट टू रेगुलेशन को फॉलो करके काम करेंगे, ठीक है। माइनमेट इंस्पेक्शन करने समय कुछ डेंजर का सूचना पाएंगे तब क्या करेंगे? माइनमेट जब इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने के समय में कई डेंजर का सूचना पाएंगे तो क्या करें? तुरंत मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे, मैनेजर को बताएंगे। काम करने वाले सब किसी भी व्यक्ति को उस जगह पर नहीं छोड़ेंगे, या सबको इन्फॉर्म करेंगे। जब तक डेंजर नहीं हटेगा तब तक वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, या एंट्रेंस पॉइंट में भी फेंसिंग दे देंगे कि इससे हुआ है और आपको किसी को अलाउड नहीं है, ओके। एक माइनमेट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितने साल होने से मेट का एग्जाम दे सकता है? आंसर क्या है? 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैच में अगर काम करेगा उसके बाद एक्सपीरियंस लेके वो माइन बोर्ड का एग्जाम दे सकता है। माइन बोर्ड सर्टिफिकेट रेन्यू कितने वर्ष में होगा? आंसर क्या है? 5 इयर्स में उसका रेन्यू होगा। और दो टू क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, उस क्वेश्चन में क्या आता है? माइनिंग मेट 1 वीक में कितने बार इंस्पेक्शन करेगा? आंसर क्या है? आंसर है 3 बार इंस्पेक्शन करेंगे। और एक क्वेश्चन क्या आता है? एक माइनिंग मेट शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले, एक माइनिंग मेट शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले कितने घंटा पहले वो माइंस का इंस्पेक्शन करेगा? आंसर क्या है? ऑप्शन इसका आंसर होगा 2 आवर्स। जैसे प्रैक्टिकल देखा जाएगा उसमें आप सोचेंगे कि आधा घंटा या 15 मिनट पहले इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि रेगुलेशन 116 में मेंशन किया गया है एक माइनिंग मेट 2 घंटा पहले इंस्पेक्शन करेगा, ओके। इस आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।